एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं शाश्वत आर्ट गैलरी में। जी हां, जो अपर दोंतली बाजार में है, जो पंचतीर्थी के बिल्कुल नजदीक है। यहां पर जो है कई तरह के विद्यार्थी जो है विभिन्न राज्यों से, विभिन्न यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने के लिए आते हैं और काफी कलेक्शन जो है आपको इस म्यूजियम में नजर आएगी, जिनमें कई तरह के कॉइन्स जो है हमें देखने को मिलेंगे, कई तरह की ज्वेलरी जो है हमें देखने को मिलेगी, कई तरह की पेंटिंग्स जो है हमें देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ जो है यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। इस वक्त हम शाश्वत आर्ट गैलरी में, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी फाउंडेशन कब से हुई और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर रखी गई हैं और किस तरह से जो इसको प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ सुरेश अबरोल जी हैं, जो थर्ड जनरेशन से हैं और इसको ये प्रिजर्व भी कर रहे हैं, कंजर्व भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं इसकी फाउंडेशन कब से शुरू हुई और क्या कंसेप्ट लेकर आप चल रहे हैं। रितेश जी, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का यहाँ पे हमारे म्यूजियम में स्वागत है। इसकी फाउंडेशन तो 1937 में ही रखी गई थी। लाला रिखी राम जी, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, वो महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे। तो उस ज्वेलरी विंग को देखते देखते उनके यहाँ पे जो भी लोग, कोई आर्मी में काम कर रहा है या कोई दूसरी सेक्शन में काम करते, तो उन लोगों से उनकी काफ़ी इंट्रैक्शन रहती थी। जैसे उनके कोई ज्योतिष का काम जानने वाले लोग, आयुर्वेदा का काम जानने वाले लोग, और शाम के टाइम में क्या होता था, एंटरटेनमेंट का कोई ऐसा साधन था नहीं, तो शाम को उनकी दुकान पे चौपाल भी लगती थी, तो वहाँ पे फिर ये सारे मुद्दे डिस्कस होते थे। तो वहाँ से उनको ये शौक शुरू हुआ, क्योंकि घर में गाय रखी जाती थी और गाय रखी है तो उसको घास भी खिलाना है, घास खिलाना है तो उसके लिए फिर जंगल जाना पड़ेगा घास लाने के लिए। तो वो सुबह मॉर्निंग में तवी नदी पे जाते थे, घास लाते थे, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कई सारे लोगों के घरों में, जब हमारे यहाँ पे टर्माइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो जब दीमक लग जाता था पांडलोपियों को, तो वो लोग वहाँ पे उनको जल प्रवाह कर देते थे। तो उन्होंने, हो सकता है किसी के साथ डिस्कस किया होगा कि फलाना वाला जोशी के घर से या उनके आयुर्वेद चारा के घर से उनकी बुज़ुर्गों की डेथ हो गई और वो जो हस्तलिखित उनके ग्रंथ थे वो उनकी फैमिली ने आके पानी में डाले हमारे सामने। तो वहाँ से ये दौर शुरू हुआ पांडुलिपियों को इकट्ठा करने का। और इस वक्त मौजूदा समय में इसको पांडुलिपि संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है। जी जी, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जब 2003 में दिल्ली में गठन किया गया, तो हम 2005 में हमने उनसे पार्टनर सेंटर का स्टेटस लिया और 2017 में हमें यहाँ पे पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का स्टेटस राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से दिया गया। और आज हम यहाँ पे 1,00,000 फोलियो जो है वो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में उनको हम ठीक कर चुके हैं, और क्यूरेटिव कंजर्वेशन में हमने 60,000 के आसपास जो है फोलियो प्रिजर्व करके उसको ऑनलाइन साइट के ऊपर हमने पांडुलिपि पोर्टल के ऊपर चढ़ा चुके हैं। उसका ऑनलाइन डाटा भी हमने भेजा हुआ है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में, और ऑफलाइन डाटा भी भेजा हुआ है। इसके अलावा कलेक्शंस की बात करते हैं, इस म्यूजियम में किस किस चीज़ की क्या क्या कलेक्शन है और कितनी संख्या है? हाँ, सबसे पहले तो जो पांडुलिपियों की अगर कलेक्शन देखेंगे तो 10,000 के करीब के हमारे पास अलग अलग विषयों में हमारे पास पांडुलिपियाँ यहाँ पे प्रिजर्व हैं, और 25 से 26 किलो के आसपास सोने चांदी की जो ज्वेलरी है, जैसे डुगर,
गुजर या गद्दी ट्राइबल ज्वेलरी जो होती है, ये पहाड़ी ज्वेलरी है। हमारे पास कोई इतनी क्वांटिटी में हमारे पास ये ज्वेलरी है, और इसके साथ साथ कुछ क्वाइंस के कलेक्शन हमारे पास हैं। कुशाण एरा के हैं, मुगल एरा के हैं, या ब्रिटिश एरा के कुछ क्वाइंस हैं हमारे पास। उसके साथ साथ हमारे पास एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो है वो इंडियन पहाड़ी मिनिएचर्स में है, जिसमें जम्मू स्कूल है, कश्मीर स्कूल है, बसोली स्कूल की पेंटिंगें हमारे पास हैं, कांगड़ा स्कूल की पेंटिंगें हैं। बसोली स्कूल की हमारे पास 38 पेंटिंगें हैं रामायणा सब्जेक्ट के ऊपर। उसका सर्ग है अयोध्या वाल्मीकि कांड। वो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की हेल्प से हमें उसकी फ्रेमिंग हो चुकी है, और हम कहीं भी उसकी जो एग्जीबिशन अब करने के लिए रेडी हैं। उसके साथ साथ हमारे पास रागमाला और रागनी की कोई 23 सीन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसकी फ्रेमिंग भी डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सौजन्य से हमें वो हुई है। तीसरी हमारी जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है वो है गुरु नानक देव जी की जन्म साखियाँ, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी। उसमें 100 पेंटिंग की वो कंप्लीट सीरीज़ है। गुरु नानक देव जी अपने 3 उदासियों में कहाँ कहाँ पे गए, मतलब वो पंजाब से जब पैदल चले हैं, मोदी खाना में उन्होंने नौकरी करने के बाद वो उन्होंने जो 19 साल ट्रैवलिंग की है, वो पूरे के पूरे सीन जो है वो 100 पेंटिंग के फॉर्म में हमारे पास हैं। और उसका हमें 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एग्जीबिशन करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उन पेंटिंगों को राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वालों ने हमें वो फ्रेम करवा के दे दी थी। वो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट कलेक्शन है जी। और 2018 में जब नईम साहब कल्चर मिनिस्टर थे, तो इंटेक के जो स्टेट कन्वीनर हैं वो उनकी टीम और नईम साहब की टीम जब यहाँ पे आई, तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपके पास इस्लामिक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा कलेक्शन है, उसमें हमारे पास आपको देखने को होली कुरान के नुस्खे मिलेंगे, जिसका साइज़ है इंच बाय इंच, इंच बाय डेढ़ इंच, 10 इंच बाय 5 फीट, 5 फीट बाय 6 फीट। जो 5 फीट बाय 6 फीट है वो पार्चमेंट के ऊपर है जी। और कैलीग्राफी जो है वो हमारे पास बड़ी एक इम्पोर्टेंट कैलीग्राफी की कलेक्शन है, वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ में है, और उसकी मेन खासियत यह कि वो वेलम के ऊपर है। तो शायद ही स्टेट में किसी इंस्टीट्यूशन के पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन होगी कैलीग्राफी की। और वो हमें 2018 में एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस के साथ हम लोग कोलैबोरेट करके, तो हमने दिल्ली श्रीनगर में TRC में एक मेगा फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, इतनी कलेक्शन है तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको कितना लाभ मिलता है? और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो किन किन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं अब तक आपके पास आ चुके हैं? हाँ रितेश जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये 276 के आसपास जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं हमारे यहाँ से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर, कोई जर्नलॉजी के ऊपर, कोई इंडियन मिनिएचर्स के ऊपर, कोई जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के ऊपर, कईयों ने बसोली मिनिएचर्स के ऊपर रिसर्च के लिए हमारे यहाँ से मटेरियल ले जा चुके हैं, कोई मैनस्क्रिप्टोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने के लिए आ रहा है, कोई एथनिकल डोगरा ज्वेलरी के ऊपर रिसर्च के लिए आ रहा है, जैसे कि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से हमारे पास यहाँ पे कई सारे स्कॉलर आए हैं, पटियाला यूनिवर्सिटी से हमारे पास यहाँ पे स्कॉलर आए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से, क्लस्टर यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ पे PG स्कॉलर्स आते हैं रिसर्च के लिए, और कुछ स्कॉलर हमारे पास JNU यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे आए हैं, और डीम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से कुछ संस्कृत का स्कॉलर्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं अभी रिसर्च का। ऐसे ही डॉक्टर पीयूष जी, डॉक्टर बलदेव जी, और इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी काम किया, और हमारी जो कैटलॉगिंग का काम है डॉक्टर पीयूष जी और डॉक्टर बलदेव जी ही कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना हो या कंजर्व करना हो तो काफ़ी जो है डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, किन किन बारीकियों का जो है आप विशेष ध्यान रखते हैं, और क्या क्या हर्डल्स जो हैं आ रही हैं जिनको आप पार कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपने देखा ये एक फैमिली की कलेक्शन है, तो फैमिली की तरफ से ये रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है, हमें किसी किस्म की कोई ऐसी फंडिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो फंडिंग की एक दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम सभी फैमिली मेंबर्स अपने ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने अगर कोई कंजर्वेशन का मटेरियल ख़रीदना है, या फिर हमने कोई अपने मिनिएचर्स की फ्रेमिंग करवानी है, या कोई ज्वेलरी या आर्ट ऑब्जेक्ट्स की हमने प्रिजर्वेशन का कोई मटेरियल ख़रीदना है, तो हम चारों भाई आपस में कंट्रीब्यूट करके तो वो फंडिंग का सोर्स हम कर लेते हैं। चलिए जी, अब आखिर में जो जम्मूवासी आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग भी जो हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ? हाँ, मैं अपने जम्मू के बहन भाइयों को
शोधार्थियों को अपनी आपके द्वारा ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये अपर बाज़ार धोंतली में जो शाश्वत आर्ट गैलरी पांडुलिपि संरक्षण केंद्र जो खोला गया है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से, तो यहाँ पे वो लोग आए, आने से पहले वो हमें एक रिंग कर लें कि उनके साथ हम टाइम की एक अपनी सेटिंग कर लें और वो लोग यहाँ पे आके रिसर्च करें, अपने इतिहास को जानें, अपने कल्चर को जानें और हमारी धरोहर ये किस किस फॉरम में यहाँ पे रखी गई है उसको वो पहचानें और उनकी जो पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो हमारी फैमिली उनकी पॉसिबल हेल्प करने के लिए तैयार है। जम्मू से अगर बाहर से भी कोई स्कॉलर, जैसे मैंने आपको बोला पटियाला यूनिवर्सिटी से, पंजाब से हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, देवप्रयाग से आते हैं, तो वो वाले स्कॉलर भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे रहने की व्यवस्था जो है वो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे स्कॉलर्स को दी जाती है और हम किसी भी स्कॉलर से किसी किस्म का कोई भी रिमोनाइजेशन जो है वो नहीं लेते हैं। और जो भी स्कॉलर यहाँ पे जितने दिन रह के रिसर्च करना चाहता है वो कर सकता है। आपके द्वारा यही संदेश हम अपने यहाँ पे दर्शकों को या शोधार्थियों को देना चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आए, अपने इतिहास को जानें और इस इतिहास को आगे प्रिजर्व करने के क्या टेक्ट्स एंड टेक्निक्स है वो जो हमने इतने वर्षों में सीखा है वो हम आपके द्वारा उन लोगों को बताएं। इस आर्ट गैलरी में आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, बहुत सी जानकारियां जो हैं आप हासिल कर सकते हैं और आप भी यहां पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर जो है होली कुरान की अगर पर्टिकुलर बात करें तो वो पूरी की पूरी जो है 30 पारा जिसे हम कहते हैं वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैग्नीफाइड ग्लास की आवश्यकता होगी और इसके साथ साथ आप यहां पर किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट पर जो है रिसर्च अगर करना चाहते हैं आपको बहुत सा मटेरियल जो है वो यहां पर मिल सकता है, बहुत सी कलेक्शन जो है इस म्यूजियम में है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप भी जरूर यहां पर विजिट करें और अगर आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी जो है ये फ्रूटफुल होगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।